वेलकम टू लाइफस्टाइल जंक्शन। तो लैंटर्न बना रहे हैं, आपको थंबनेल से तो पता चल ही गया होगा। तो ये जो लालटेन है, जिसे लैंटर्न कहते हैं अंग्रेजी में, इसे बनाएंगे इन डब्बों से। ये कुछ शरबत के डब्बे आए थे और काफ़ी पुख्ता मजबूत से थे, तो इसे हमने लेना है। और इसके कुछ पार्ट्स मैंने इस तरह से काट लिए हैं, कुछ कार्डबोर्ड्स के। 4 स्क्वायर बनाया मैंने और एक है 14 सेंटीमीटर बाय 40 सेंटीमीटर और एक है 11 सेंटीमीटर बाय 11 सेंटीमीटर। तो इतने ही डिफरेंस में आप चाहें तो, अगर आपके पास डब्बे अलग साइज़ के हैं तो थोड़े बड़े या छोटे भी आप काट सकते हैं। छोटा डब्बा है तो उसके हिसाब से ये प्लेटफॉर्म्स बनेंगे। एक्चुअली आप धीरे धीरे आप समझ जाएंगे कि ये क्या कर रही हूँ मैं। तो ये चौकोर काट रही हूँ और एक डब्बे को मैं थोड़ा सा छोटा काट रही हूँ और एक डब्बे को मैं अच्छा खासा जो साइज़ है वो वैसे ही रख रही हूँ। अब इसमें मैंने झरोके बनाने हैं। आप जैसे चाहें, स्क्वायर चाहें या थोड़ा डिज़ाइन वाला चाहें, मैं सिंपल सा बना रही हूँ। ऊपर से थोड़ा सा कर्व रहेगा और नीचे से बिल्कुल रेक्टेंगुलर। और इसे प्रेसिशन नाइफ के मदद से मैं काट रही हूँ। आप चाहें तो कोई दूसरा कटर या बहुत तेज़ चाकू या कैंची से भी काट सकते हैं। ये इस तरह से चारों तरफ से ये ऐसे तैयार हो गया। अभी काफ़ी मज़बूत है ऐसे तो, लेकिन इसे, इसके जो एजेस है ना, इसे यूनिफॉर्म करने के लिए मैं मास्किंग टेप की मदद लूँगी। और बिल्कुल इस तरह से सारे एजेस में सील कर दूंगी। जो स्क्वायर्स थे उन्हें भी डबल करके इस तरह से सील कर दिया और उसे एक के ऊपर एक चिपका दिया। फिर इसके ऊपर इस बॉक्स को हमने चिपका देना है। इसके ऊपर जो टोम बनेगा, जो गुंबद जैसा बनता है, उसके लिए सबसे पहले मैंने एक सीडी ली। और मेरे पास ये पता नहीं क्या है, क्या पीस था। जो DIY करते हैं उन सबको रिलेट कर सकते हैं कि हमको ऐसे कोई अजूबा सा कुछ पीस दिखता है तो हम फेंकते नहीं हैं, उसे रख लेते हैं क्राफ्ट के लिए। तो वही मैंने किया। और अगर आपके पास ऐसा कोई पीस नहीं हो तो आप ये दूसरा उपाय कर सकते हैं। दूसरे वाले लैंटर्न के लिए मैंने इस तरह से बॉटल का सर है इस तरह से काट लिया। और इस तरह से बॉटल को मैंने स्टिक कर दिया है ग्लू से। मैं फेवी बॉन्ड यूज़ कर रही हूँ, आप कोई और भी ग्लू यूज़ कर सकते हैं। अब इसे अच्छे से ड्राई होने देना है और इसके ऊपर मैं एक हैंडल लगा रही हूँ। ये आपने पहचाना, वो जो पर्दा टांगने का जो एक हुक होता है ना, ये स्पेयर पड़ा था मेरे पास, इसे मैं इस तरह से इसके कैप में फिक्स कर रही हूँ। अब इसे अच्छे से सूखने देते हैं ताकि ये मजबूत बन जाए। अब मैं ले रही हूँ एक बोल में वॉल पुट्टी, उसमें ऐड कर रही हूँ PVA ग्लू, ब्लैक कलर, एक्रेलिक कलर यूज़ कर रही हूँ और थोड़ा सा पानी। और इसका ना एक पेस्ट जैसा बना लिया मैंने। अगर ये थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए तो पानी डालकर इसका पतला सा ऐसा वाला कंसिस्टेंसी वाला पेस्ट बनाना है। और बस ब्रश की मदद से अच्छे से लिबरली इसके ऊपर एक लेयर करनी है। इससे ना ये बहुत ही मजबूत बन जाएगा। एक तो ये मजबूत बनेगा और दूसरा ये किस चीज से बना है फाइनली आपको जब एंड प्रोडक्ट बनेगा ना तो पता नहीं चलेगा। इतना अलग टेक्सचर हो जाएगा इसका। अब जो बचा हुआ पेस्ट था उसमें मैंने थोड़ा सा और वॉल पुट्टी मिलाया और एक डो जैसा बना लिया। अब इस डो से
हम इसमें कुछ कुछ फिनिशिंग टचेस देंगे, थोड़ी सी बारीकियाँ करेंगे। ये ऑप्शनल है बिल्कुल, पर जितनी ज़्यादा आप डिटेलिंग करेंगे ना, ये उतना प्रिटी दिखेगा। दैट्स इट। अब जब ये पूरा अच्छे से सूख जाए तो फिर टाइम है इसे पेंट करने का। चूँकि मैंने इसमें पहले ही एक्रेलिक कलर मिला दिया था तो ये ऑलरेडी थोड़ा ग्रेइश ब्लैक है। अब इसके ऊपर ड्राई ब्रश में मैं ब्लैक कलर डिप करके जस्ट डिस्ट्रेस स्ट्रोक्स दूंगी, ताकि ना मुझे इसमें एक्चुअली थोड़ा सा मेटालिक लुक चाहिए, थोड़ा एंटिक मेटालिक, इसलिए मैं इस तरह से इसे कर रही हूँ। आप चाहें तो इसे किसी ब्राइट कलर से भी पेंट कर सकते हैं, कम्प्लीटली आपके ऊपर है ये। जस्ट इधर उधर हल्के स्ट्रोक्स दे रही हूँ मैं, कुछ यूनिफॉर्म नहीं कर रही हूँ, जस्ट रैंडमली ऐसे ही। अब जब ये सूख जाए तब तक हमें वेट करना है। फिर इसके बाद मैंने कॉपर मेटालिक कलर लिया और उसके स्ट्रोक्स देने स्टार्ट किए। सेम ड्राई ब्रश लिया है और रैंडमली कहीं पे भी ये स्ट्रोक्स दे रही हूँ। फाइनली तैयार हो जाएगा। जैसे ही ड्राई हो जाएगा आप इसे स्टाइल कर सकते हैं। इसके अंदर मैंने कैंडल्स रखे हैं और ये बहुत ही प्रिटी लग रहा है। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल, क्योंकि मैं इस तरह के DIYs बनाती रहती हूँ। और लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, अपने फ्रेंड्स को भेजिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स ग्रुप में। एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो कि आपको ये कैसा लगा। अगर आपने ऐसा कुछ बनाया तो पिक्चर क्लिक करिए और मुझे इंस्टा पे टैग करिएगा, मैं अपने स्टोरीज़ में आपका काम ज़रूर शेयर करूँगी। नीचे इंस्टा का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अंटिल देन, सी यू नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट वीडियो, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।